अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप 14 अगस्त पर पाकिस्तान का फ्लैग अपने फेस पर लगा सकते हैं, अपने पिक्चर में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म की DP आप लगा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कहीं भी, जहाँ भी आपकी मर्ज़ी हो वहाँ पर आप अपनी खूबसूरत सी पिक्चर लगा सकते हैं, वो भी पाकिस्तानी फ्लैग के साथ। सो गाइस, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दीजिए और साथ ही ऑल पर प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट मेरी वीडियोस आएंगी अबाउट मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सबसे पहले आप हासिल कर सकेंगे। सो गाइस, चलते हैं आज की एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले हमने जाना है प्ले स्टोर में जाकर हमने यहाँ पर सर्च बार पर लिखना है पाकिस्तानी फ्लैग। यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। यहाँ पर हमें यहाँ पर फोर्थ नंबर पे ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी पाकिस्तानी फ्लैग फेस फ़ोटो एडिटर। हमने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद इसको हमने अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हम करते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस जो होगा वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक ऐड हमें देखने को मिलेगा, इसको हमने कर देना है क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर हमने स्टार्ट वाले आइकन पे प्रेस कर देना है। स्टार्ट वाले आइकन पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक और जो है वो ऐड ही एक दिखने को मिला है और यहाँ पर हमने इसको कर देना है बैक। बैक करने के बाद ही आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस जो होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हमने जो भी अपनी पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करनी हो, यहाँ से सेलेक्ट फ़ोटो पे प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कैमरा से लाइव लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, फाइल्स में जाकर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इमेज जो है हमारी गैलरी वहाँ पर चलते हैं और यहाँ से कोई भी पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना ये फ़ोटो है इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर फिर आपको एक ऐड देखने को मिल जाएगा, इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद यहाँ से आप अपनी पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर क्रॉप का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद ये फ़ोटो जो होगा वो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो मेन्यू है बहुत ही ईजी सा आपको नज़र आएगा। ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जितने भी इसके इफ़ेक्ट होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये आप इसको आगे आगे करते जाएंगे तो बहुत से इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे इसके ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पिक्चर को अपनी को एडिट कर लेते हैं। ये वाला इफ़ेक्ट मैं लगाता हूँ यहाँ पर। ये आप इसका देख सकते हैं कि साइज़ बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमने दो फिंगर्स से इसको छोटा कर लेना है। जैसे हम जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, वैसे ही हम इसको ऐसा करके और इसको हम यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पर कोई भी और चीज़ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ, ये यहाँ पर मैं लगाता हूँ। ये हो गया। ये लगाने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको बहुत से नाइस इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर एक और हमें देखने को मिला है, हम इसको भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका साइज़ छोटा बड़ा आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसको अगर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये आपको नीचे एक आइकन नज़र आ रहा होगा फर्स्ट पे, यहाँ पर हमने इसको प्रेस करना है। यहाँ पर ऐड हमें देखने को मिल गया, हमें यहाँ से बैक कर लेना है ऐड को। बैक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो है पिक्चर हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में जाकर ये एप्लीकेशन ज़रूर से इंस्टॉल करके और अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।